You're watching Newstainment Television. देखिए एक मेलोडियस सॉन्ग, एक रोमांटिक सॉन्ग जिसके लिए मुझे जाना जाता है, एंड 90s का मेलोडी जिसको बोलता है, ये संजीव चतुर्वेदी ने इसको क्रिएट किया, कंपोज किया, एंड फैंटास्टिक कंपोजिशन, इतना मेलोडियस कंपोजिशन जो 90s का याद दिलाते हैं। इसके साथ मेरा एक नहीं, बहुत सारे गाने हैं, मेरा अभी लाइन से गाने और आने वाले हैं बहुत सारा, लेकिन क्या है कि इस गाने में जो मेलोडी था और मेलोडी की वजह से ये लोगों को इतना पसंद आया और जल्दी जल्दी, तो ये मैं चाहता हूँ कि 90s के फ्लेवर जो है वो ज़्यादातर करके आए और लोगों के अंदर और फिर जाए। सर मैं आपसे सारी तारीफ, किसी भी कंपोजर या राइटर के लिए ना इट्स अ ड्रीम कि आप सानू दा को एक्चुअली रिकॉर्ड करो, एंड ही इज़ अ मेलोडी किंग। तो कोई भी गाना जब बनाते हैं और सानू दा की आवाज़ आती है तो हम लोग के लिए तो ऐसा लगता है कि हमने एक सपना जिया है। तो टू अस इट्स ब्लेसिंग्स जगदम्बे की कि सानू दा ने गाना गाया, एंड गाना ये एक दिन में 1 मिलियन के करीब क्रॉस हो रहा है अभी गाना। ये मेरे लिए सर के गाने पे परफॉर्म करना, एक्ट करना, ये मेरे लिए मेरे लिए ऑनर है, और आई डिडंट नो दैट आई कुड स्टार्ट विद दिस एज माई करियर। इट्स माई ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, एंड आई एम अ 90s किड, एंड आई एम अ ह्यूज 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 फैन ऑफ सर। सर ये सर आपने अपने बाद में मेंशन की कि 90s की वाइब मुझे इस गाने के अंदर नजर आती है, आपको क्या लगता है अभी के दौर पर जो गाने बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेलोडी वो एक वाइब मिस होती है आपको नजर आती है? देखिए आई डोंट नो द पब्लिक का जो चॉइस है ना, ये हमेशा हमने देखा, हमने अभी सक्सेसफुल टूर करके आया, अमेरिका टूर करके आया, हम वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का जो गाना था, जो कुमार सानू ऑफिशियल में जो गाना रिलीज होता है इनका म्यूजिक में, उस गाने को मैं स्टेज में गाया, लोगों को बताया गा के कि भाई इस तरह के म्यूजिक हमारे चैनल में, तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, फुल हॉल, कैन यू बिलीव दिस। तो मतलब क्या लोग चाहते हैं, हमारे इंडस्ट्री में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये मैं नहीं बोलूँगा, ये उनकी चॉइस है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा 14 शो जो हुआ है 90s, उसका नाम था कुछ बैक टू 90s कुछ ऐसा कुछ था, 14 शो सोल्ड आउट शो था, कैन यू बिलीव दिस, 15 डेज बिफोर अमेरिका में 14 शोज कंटिन्यू सोल्ड आउट ऑल। अब यूट्यूब में से आपको सोल्ड आउट पोस्टर भी मिल जाएगा सारा। तो इसका मतलब क्या है कि 90s के गाने लोग पसंद करते हैं, हम उसको दे नहीं रहा ये अलग बात है, ये कुछ और ही चीज़ हो रहा है। तो 90s के म्यूज़िक जो क्रिएट कर सकता है ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, संजीव जैसे ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो नादिम सरवन जैसा या तो अनु मलिक जैसा ऐसे ऐसे गाने क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि भाई 90s का मिसिंग है, अभी के जो गाने बन रहे उसमें 90s फ्लेवर, तो क्योंकि 90s एरा जो था दैट वाज द गोल्डन एरा फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री में, गोल्डन एरा, सो प्रॉपर गोल्डन एरा जिसको कहते हैं। तो बस वही कोशिश है, ये लोग समझे ना समझे हम तो हमारा करते रहेंगे, और यूट्यूब चैनल में हमारा भी यूट्यूब चैनल में हमने ये गाना का एक दूसरा चैनल के लिए, एंड बट मैं अपना यूट्यूब चैनल में एवरी 7 डेज और 10 डेज एक नया गाना रिलीज़ होता है, मेरा नया गाना रिलीज़ होता है। तो फिर इनका जो ये गाना है, ये गाना कौन सा ये इसमें चैनल, वाइट हिल बीट्स, तो इस चैनल से ये गाना रिलीज हुआ, बट ये ही इज डूइंग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर मी ऑल्सो। जो भी सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी के अगर दौर की बात करूँ तो ऐसा होता है कि अभी 90s के गाने कुछ पुराने रेट्रो गाने उठाकर उसे नए तरीके से रीअरेंज करके रिक्रिएट करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं, तो आपका लगता है इन गानों की जो मेलोडी है उस टाइम की 90s की उसे वैसे ही बरकरार रखना चाहिए, या फिर उसको लाकर अपने तरीके से जो नया क्रिएशन चल रहा है उस पर आप कितना बिलीव करते हैं? नहीं, नया क्रिएशन करके कोई फायदा नहीं होगा, वो नो हेयर हो जाएगा, क्योंकि पुराने गाने को आप छेड़ोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप उसको एज इट इज़ रखोगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा। एज इट इज़ बोले तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिंगर, पुराने सिंगर अगर कैपेबल है, गा सकते हैं, तो उसी से ही गवा लेना चाहिए, वो और इम्पैक्ट होता है। क्या आज से
35 साल पहले जो गाना एक सिंगर ने गाया था, 35 साल बाद वो गाना फिर से वही सिंगर ने गा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसा गाया है यार। तो एक होता है ये बात, और हमारा फैन फॉलोइंग तो कोई रोक नहीं सकता, जो हमारा फैन फॉलोइंग है वो तो होगा ही, वो तो कम से कम देखेगा ही देखेगा इस गाने को। हाँ जी, और आगे बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन आप ही करोगे। अच्छा मैम, मैं आपसे जाऊँगा, जिस तरीके से सर ने कहा वो बरकरार रहना चाहिए, और आपको मौका मिला उसी गाने के वाइब पर काम करने का, आप अपने आप को इतना प्राउड फील करते कि आपने उसी मेलोडी के साथ काम किया? Absolutely. I mean, मेरी जगह और कोई भी होता would feel the same thing and I cannot be happier than this, honestly. It मतलब जब मैंने सुना 90s song है, I jumped to say yes. मैं jump करके I was like literally like yes, I want to do this. So it is my, I am lucky. लाउड बोलिए। सर के साथ मेरा पहला गाना है और मैं हमेशा से उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, और मुझे एक्चुअली पता नहीं था, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, मुझे संजीव जी ने बाद में बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला है कि सर साथ में गाने वाले हैं, मतलब मैं उनके साथ गाने वाली हूँ। सो अच्छा लगा, और गाने की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बहुत सोल था गाने में, बहुत बहुत ज़्यादा सोल है, बहुत प्यारा है, और गाने को बहुत ईज के साथ गाया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये थी कि मैंने सर को गाते हुए सुना लाइव जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो फिर मुझे गाने में उससे बहुत हेल्प मिला। जरिए सर, आपने कहा कि उन्हीं सिंगर को मौका देना चाहिए गाना फिर से गाने का, यदि आपकी लिस्ट में से कोई गाना फिर से 90s से उठाकर अगर अभी फिर से बनाना हो या कुछ उसको क्रिएट करना हो, तो वो एक कौन सा गाना हो जो आप चाहेंगे कि एक बार गाना वो फिर से बाहर आए और एक बार फिर से ऑडियंस के बीच में एक नए तरीके से? देखो भाई, मैं मोर देन 22,000 सॉन्ग्स गा चुका हूँ, कोई एक गाना मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि इस गाने को रीमेक करो। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको रीमेक होने से और ट्रिमेंडस इम्पैक्ट होगा फिल्म के लिए, फिल्म के हेल्प के लिए, इट इज़ नॉट फॉर आस, फिल्म के हेल्प के लिए वो गाना कारीगर होगा जो अगर उस गाने को इस्तेमाल करे। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं यार, तो क्या है कि कोई एक गाना बोलना बड़ा मुश्किल काम है, सोच के मैं परेशान हो जाऊंगा। पहले का एक वक्त था जहाँ पे गाने बहुत हिट हो गए थे, पहले उसके बाद लोग फिल्म देखने जाया करते थे, आज उल्टा हो चुका है, आज लोग फिल्म देखते हैं लेकिन गाना याद नहीं है। यस, क्या लगता है इसके ही गाने लोगों की, कंटिन्यू करना चाहूँ, 90s के ही गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं, यादगार रह जाते हैं, अगर हम देखें हिप हॉप या इस तरह के जो भी गाने आते हैं, दो दिन लोगों की जुबान पर रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन जो 90s के गाने नहीं, देखिए एक से दो दिन के। हाँ हाँ, अभी क्या है कि ये जो 90s के गाने की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले तीन चार रीज़न था। एक तो सबसे पहली बात है कि पहले म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया जाता था, सबसे पहले हम जानते नहीं थे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हमको मालूम भी नहीं होता था, बट गाना रिकॉर्ड करता था पहले, 6-6, 8-8 गाना रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद सब डिसाइड होता किसको क्या लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो गाना जब रिकॉर्ड होता था उसमें ध्यान दिया जाता था पूरा, एक तो लिरिकली, उसके बाद कॉम्पोजिशंस, उसके बाद सिचुएशन, तो हम लोगों ने उसको एक्ट करके गा देते थे। तो ये जो टीम वर्क था, ये पक्का उर्दू का जो शायरी है एंड जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका स्टोरी लैंग्वेज, जो जो कुछ भी एक टोटल टीम वर्क जो होता था उस समय, वो बहुत ऐसा था पावरफुल कि ये पहले लोग सुनते ही सोचते थे कि हम हॉल में जाएंगे, तो पहले गाना उनको खींच के हॉल तक लाते थे। तो गाने का काम हम लोगों का था कि हमको हॉल तक पहुँचा देना है, बाकी हॉल में जाके वो देखेंगे कि एक्टर एक्ट्रेस क्या उसके ऊपर रिएक्ट किया और उसके ऊपर क्या उन लोगों ने एक्सप्रेशन दिया, क्या ये किया, तो उसके बाद पिक्चर हिट होना। तो ये सब मिला के ना वो चीज़ अभी क्या हो गया, एक म्यूज़िक प्रायोरिटी था पहले कि म्यूज़िक के जरिए, म्यूज़िक पिक्चर का आधे खर्चा म्यूज़िक से उठ जाता था, आधे पिक्चर का खर्चा जो है वो म्यूज़िक से उठ जाता था, एंड म्यूज़िक के बाद वो लोग फिर फिल्म शुरू करके फिल्म ख़त्म करते थे, और अगर पिक्चर चल गया तो म्यूज़िक और भी हिट हो जाता, और पिक्चर नहीं भी चला तो भी म्यूज़िक बेच के पैसा कमा लेते थे कंपनीज। तो आई थिंक जब म्यूज़िक का जो एक
प्रायोरिटी था, अभी वो है नहीं। वो प्रायोरिटी अभी क्या है, म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया गया। डालना है तो डाल दो, नहीं तो नहीं डालो तो कोई बात नहीं है, ना भी रखो तो कोई बात नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो गया। ये मंदबुद्धि टाइप का बुद्धि है जिसका, जिन्होंने ये सोच रखते हैं। तो गाना एक ऐसा चीज़ है, नॉट फॉर रिलैक्सेशन, म्यूजिक इज ए थेरापी ऑलवेज। और ये फिल्म जब देखने जाते हैं, इतना टेंशन, इतना मारधार, इतना ये, उसमें एक रोमांटिक गाना आता है, एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है उस समय। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम म्यूज़िक को सेकेंडरी करके अगर पिक्चर को हिट कराना चाहें तो बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अभी 100 पिक्चर बनाओगे तो उसमें से एक या दो हिट होगा। जैसे हाँ, सचमुच में कमा की रहे, कमा रहे कि नहीं रहे, ये भी हमको मालूम नहीं है। ये उनका पब्लिसिटी है, ये पब्लिसिटी के जरिए भी लोगों को खींच के लाते हैं कि भाई 400 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया। अरे बाबा 500 करोड़ कमाया तो चल देखते हैं क्या है उसमें, जाके देखा बकवास बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब अभी सब पब्लिसिटी स्टंट है। तो पिक्चर को देखो, हमारे उस समय 90s का जो पिक्चर्स है, उस समय ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना इतना चैनल्स था, ना कुछ था, खाली माउथ पब्लिसिटी। अगर पिक्चर अच्छा बने तो उसका माउथ पब्लिसिटी से वो सुपर डुपर हिट होता है। सबसे बड़ा पब्लिसिटी है माउथ पब्लिसिटी, कि तुम एक जन को खुश करोगे ना, वो 10 जन को बताएगा। तो ये टेंडेंसी ये लोग क्यों अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो। ये सोचते हैं कि भाई हम इसमें ग्रैंडियर दिखा देंगे स्विट्जरलैंड में, और इसका आम्स्टरडम में शूट कर लेंगे, और कोई स्टोरी नहीं है, बकवास म्यूजिक है। और सोचता है कि बड़े बड़े स्टार कास्ट, पिक्चर हिट हो जाएगा। और वो कोई सब हजार हजार 100-100 करोड़ का जो मूवीज है, मुँह के बल गिरता है सीधा। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, अभी पता नहीं ये लोग समझे कब, ऊपर वाले इसको सुबुद्धि दे। बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा गया है कि लोग पुराने गाने, नए गाने किसी भी सिंगर से गवा लेते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इट्स अ डेंजरस फॉर अस, आवर सोसाइटी, आवर इंडस्ट्री। AI है, देखो टेक्नोलॉजी तो हम तो बढ़ते ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी कोई रोक नहीं सकता, वो हम डे बाई डे हम इम्प्रूव करते हैं। तो वो उसका साइड इफेक्ट जो है, उसका बैड इफेक्ट जो है हमारे देश में, उसको सबसे पहले ज़्यादा करके लोग ग्रैप कर लेते हैं कि बैड इफेक्ट क्या है, मतलब किस तरीके से मैं पैसा कमा लूँ थोड़ा सा। AI का गुड इफेक्ट बहुत सारा है, बट बैड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अगर बैड इफेक्ट कोई यूज़ करे, समझ लो कोई भी सिंगर के गवा के उसका सेम वॉइस फ्रिक्वेंसी से कुमार सानू बना दिया AI, एंड दैट इज़ बट फॉर अस, दैट इज़ बट फॉर ऑल। सबसे बड़ी बात है तो आप कुमार सानू का गाना सुन रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिनल कुमार सानू का गाना नहीं मिल रहा है आपको, आपके साथ चीट हो रहा है, ऑडियंस के साथ, सुनने वाले के साथ ये चीट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। तो ये है AI, हम तो कहते हैं कि AI के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हो जाना चाहिए, तो AI के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इन क्रिएटिव फील्ड क्योंकि अभी क्रिएटिविटी नहीं कर सकती, AI उस चीज़ को मॉडिफाइड कर सकती है, करेक्ट, टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व कर सकती है, पर क्रिएटिविटी जो होती है, मतलब ऐसा कहावत चलता है बेवकूफ़ और कलाकार जो पैदाइशी होती है, yes. तो AI जो है क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। नहीं, वही तो बात बोल रहा हूँ कि AI आपका वॉइस इमिटेट कर देगा, आपका टोनल क्वालिटी इमिटेट कर देगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर एक्सप्रेशन, AI एक्सप्रेशन दे नहीं सकते, दैट इज़ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में ये सब चीज़ें होता है, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स हो, थ्रोइंग हो, ये सब चीज़ें हमको खुद को करना पड़ेगा, जितना भी AI लगाओ। हम जब कोई सॉफ्ट गाना गाएंगे, सैड गाना गाएंगे, वो AI कुछ नहीं कर सकते, वो गाना सीधा सीधा गाना कर देंगे। जैसा हम गाएंगे जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल, ये होगा AI। क्रिएटिविटी ओरिजिनल फिल्म में होगा जब कोई बात बिगड़ जाए, ये होगा क्रिएटिविटी आर्ट फील्ड का काम। तो AI और क्रिएटिविटी में ये फ़र्क है, जो AI दे नहीं सकता वो क्रिएटिविटी को रखना ही पड़ेगा। गानों की आत्मा नहीं होती ना, तो दिस इज द थिंग। पहले मैन्युअली म्यूजिक बनाते थे और आज की तारीख में सब डिजिटल बना रहे हैं, उससे क्या सिंगिंग पे
देखिए एक चीज़ है, बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। देखिए शुरू में हम लोग जब गाना गाते हैं, गाना गाने जाते थे, लाइव रिकॉर्डिंग करने जाते थे, तो उसमें डेडिकेशन नामक एक चीज़ है जो टेंशन से ज़्यादा बिल्टअप होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, आप याद कर लेना, उसको मिला लेना। टेंशन आपको जब होगा ना, तो आपका सारा इंद्रिय जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू करता है, यू नो दैट। एंड उसमें क्या होता है कि आपका डेडिकेशन होता है, क्योंकि आप जो काम करने गया उसमें आपका ज़्यादातर करके आपका दिमाग चल रहा है, सो ज़्यादातर करके आप कॉन्शस हो जाते हो कि भाई इसको। तो हमारे क्या होता था कि 100 म्यूजिशियन समझ लो, महबूब में 100 म्यूजिशियन बैठ के बजा रहे हैं, और सिंगर रूम में समझ लो मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ कोई लेडी सिंगर खड़ा है, आशा जी हो, लता जी हो, कविता जी हो, अलका जी हो, अभी वो 100 म्यूजिशियन बजा रहे और उसके साथ मैं लाइव गा रहा हूँ। अभी कोई एक जन अगर गलती करे, उसके लिए दोबारा टेक करना पड़ेगा। तो सोचो अगर म्यूजिशियन गलती करते हैं तो मैं उसके तरफ देखूंगा, और अगर मैं गलत गाऊं तो म्यूजिशियन वहां से हंसेगा, सब 4-5 लोग, अरे यार क्या है, इसके लिए दोबारा टेक करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि मैं भी कॉन्शस, मेरा काम के लिए टेंशन डेडिकेशन, एंड जो बजा रहे हैं उन लोगों का भी टेंशन डेडिकेशन एंड कॉन्शसनेस। तो इसमें क्या होता है कि काम अच्छा निकल के आता है, जो क्रिएटिविटी है वो फैंटास्टिक निकल के आता है। सब अपना बोलता है कि हमारा 100% हमको देना ही है कैसे भी करके, नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, कोई हमारे ऊपर ना हंसे। ये जो होता था ना, तो उस समय ये काम होता था। अब क्या हुआ, अभी हमको पता है कि हम रिकॉर्डिंग में जाएंगे, म्यूजिशियन कब बजा के गया कुछ मालूम नहीं है, ट्रैक आधा बन चुका है, थोड़ा थोड़ा गिटार बजा हुआ है, थोड़ा सा रिदम बजा हुआ है, और हमें सिंगर को मालूम है। देखो डेडिकेशन कहाँ कम हो जाता है, सिंगर को मालूम है कि मैं अगर गलत गाऊँ तो एक एक वर्ड भी पांच हो सकता है, तो हमारा कोई टेंशन नहीं है। तो जहाँ टेंशन नहीं है वहाँ डेडिकेशन कैसे होगा, दिस इज द लॉजिक। अगर हमारा टेंशन अगर हो, बिल्टअप होता है, मैं अभी डर रहा हूँ, मैं गाना गाने से पहले आज भी हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, स्टेज पे जाने से पहले भी हाथ ठंडा होता है, रिकॉर्डिंग से पहले भी हाथ ठंडा हो जाता है। ये होता है डेडिकेशन, एंड ये होता है एक कॉन्शसनेस और टेंशन, तो उसमें से क्रिएटिविटी निकलते हैं। तो जो सिंगर गाना गाने जा रहा है वो सोच रहा है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब को ले लीजिए इस ट्रैक से, कोई को उधर से ले लीजिए, बिगड़ जाए इधर से ले लीजिए, ये क्रिएटिविटी नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आंसर बहुत बड़ी हाईलाइट है, तो आप लोग प्लीज एज ए मीडिया ना इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, बहुत बड़ी बात है नई जनरेशन के लिए। नहीं, आज अचानक क्वेश्चन अच्छा किया तो मेरा दिमाग से वो निकल गया, बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। तो मैंने वही बोला, टेंशन एंड कॉन्शसनेस से क्रिएटिविटी जो होता है वो और पावरफुल होता है। तो डेफिनेटली वो सिंगर के मन में जब होता है कि भाई हम जाएंगे और हम कुछ भी गाएंगे चल जाएगा, वो डेडिकेशन नहीं है, वो टेंशन नहीं है, वो कॉन्शसनेस नहीं है, तो फिर उसका क्रिएटिविटी जो है बेटरमेंट कहाँ से होगा, अब बताओ ना। अभी हम दोनों जब गा रहे हैं, दो, एक लेडी सिंगर एक जेंट सिंगर, हम सोच रहे हैं इसको कैसे बीट करूँ, वो सोच रहा है इसको कैसे बीट करूँ। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, चीज़ अच्छा निकल के आता है। तो ये चीज़ अभी है ही नहीं ना, तो आपका वो क्रिएटिविटी में वो सब 90s म्यूजिक बोलो, 80s म्यूजिक बोलो, कहाँ से नजर आएगा, क्योंकि ये पूरा टोटल टेक्नोलॉजी के ऊपर चला गया। टेक्नोलॉजी हम लोग बोला ना, टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो ये खामियां बहुत है इसमें। इसको अगर आर्ट को बचाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको गाना भी एट ए टाइम, वो सिंगिंग हो या लिरिक्स हो या कुछ भी हो, एक लिरिक्स राइटर बैठे रहते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम में साथ में, कि सिंगर को शब्द बोलने की तकलीफ हो रहा है, इमीडिएट वो उसका 4-5 ऑप्शन दे देते हैं। ये डेडिकेशन होता है कि भाई हमारा लिरिक्स अगर सिंगर ठीक से नहीं गा पा रहा है तो ये हमारा ही बदनाम हो गया, तो मैं ठीक से नहीं गा पा रहा है, वो जगह पे ठीक नहीं बोल पा रहा है, तो इमीडिएट वो 3-4 ऑप्शन दे देता है वहाँ बैठे बैठे। अरे कुमार जी आप ये जगह पे आप ये लिख लीजिए, देखिए तो इसको बोल के, तो मैं देखा हाँ उसका मेलोडी के साथ बहुत अच्छा स्मूथली चले जा रहा है, दैट इज़ द क्रिएशन ना, ये तो क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी था बोल के ही आज आपके दिमाग में हम बैठे हुए हैं, हम कोई भी गाना अगर गाने जाएंगे तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाओगे। मेरा हर शो में मैंने देखा, फर्स्ट 3-4 रोज जहाँ तक नज़र आता है मेरा, हर आदमी
एक एक गाने का बोल हमारे साथ गा रहे, तो ये जो दिमाग में डालने की बात है ना, ये सब चीज़ से ही आता है, ये टेंशन कॉन्शसनेस एंड डेडिकेशन इससे आता है। और इसको ये लोगों ने नज़रअंदाज करके सेकेंडरी कर दिया, बोले इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पिक्चर भी इस साइड हो गया। दादा पहले ना जो शूट होते थे सॉन्ग फीचराइज होते थे पहले, उसमें नागराम से दो राउंड पीछे तीन राउंड पीछे वो चीज़ का जो ये होता है ये वो अलग ही होता था। यस, हर एक का जो काम है उसको उसका काम के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देते थे कि अपना काम आप अच्छा नहीं करोगे तो आगे का सारा काम रुक जाएगा, तो यू हैव टू डू योर जॉब करेक्टली, तब जाके तुम करोगे तो फिर आगे वाला ठीक से करेगा, वो आगे वाला करेगा तो उसके बाद आगे वाला ठीक से करेगा, तो सब लिंक्ड और सब डेडिकेटेड था, तो इसलिए काम अच्छा होता था। और तुम्हारा पेट फूल रहा है बहुत देर से, बोलो। इसका एक गाना था मेरे YouTube चैनल में मैंने गाया था, अभी मैं अमेरिका में भी ये गा के आया था। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में, मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में, उम्र तेरी ढल जाएगी मेरा इश्क भुलाने में। तुमने मुझको दागा दिया है, तुमने मुझको धोखा दिया है, तुम भी धोखा खाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, लेके मेरा नाम हजारों अश्क बहाओगे, हाँ हाँ बड़ा पछता। तो ये था गाना, देखो मेलेडी ये बनाया ये संजीव ने, तो ये पूरा 90s मेलेडी एंड वर्डिंग अच्छा है, पावरफुल, सिंपल सा वर्डिंग है लेकिन पावरफुल वर्डिंग है और लोगों को छूने वाले। अब जब मैं गा दिया मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में, तो सिंपल थिंग है, आप भी अपने वाइफ को कभी बोलते होंगे, है ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अरे मेरे जैसा नहीं मिलेगा तुमको, चलो मैं जब नहीं रहूँगा ना तुमको पता चलेगा, तो दिस इज द सिंपल थिंग, ये थॉट को, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये चाहिए हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए, जो सुकून भरी लाइफ होना चाहिए उसके लिए आप अच्छे मूवी देखो, अच्छे गाना सुनो, स्टोरी वाला। तू कुछ बोलेगा क्या बेटा? अच्छा हाँ बोलो। देखिए पुराने आशिकी, सबसे पहली बात है अभी के जो आशिकी है वो आशिकी चलेगा ही पुराने आशिकी नाम पे, आपको नाम यूज़ करना पड़ेगा आशिकी या आशिकी 1 2 जो भी है 3 जो भी है, आशिकी आपको लगाना पड़ेगा। ये क्यों है? आशिकी की जगह कुछ और लिख सकते थे ना, आशिकी क्यों यूज़ कर रहा है भाई, इसको सोचो कि हम आशिकी क्यों लगा रहे हैं, अगर मेरे में दम है तो फिर हम आशिकी की जगह मौसिकी लगा देंगे ना, मौसिकी 2। वो आशिकी क्यों यूज़ कर रहा है, इसके पीछे राज क्या है, मतलब उस आशिकी का जो फल है उसको इस आशिकी में मिलना चाहिए, वो सोच के ये बनाया जाता है। तो जो भी है रीमेक करना बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि पुराने चीज़ को आप भुला नहीं सकते, अब जितना भी नया बने नए रीमेक होए जो कुछ भी करे उस चीज़ को आप भुला नहीं सकते, सो ये कॉम्पिटिशन होता ही नहीं है, कौन आशिकी बेटर है कौन आशिकी है, ये सब बकवास बात है। कि एक आशिकी एक हिस्ट्री क्रिएट किया, दूसरा आशिकी एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये होता ही रहेगा। मैं गाऊंगा, मैं एक अपना जगह बनाऊंगा, मेरे बाद और कोई एक सिंगर आएगा जो उसका अपना जगह बनाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे माथे पे चढ़ गया, नो। नंबर ऑफ सॉन्ग्स में मैंने बहुत सारे लोगों से ज़्यादा नंबर्स गाए, बहुत ज़्यादा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उससे बेटर हूँ, सवाल ही नहीं होता है। वो लीजेंड है, वो जो लोग लीजेंड है, जो लोग अपना जगह बनाए वो जगह कोई नहीं बना सकता है, भले आप कोई नया जगह बना लो लेकिन वो जगह नहीं बनेगा। सो ये सब तुलना करना बहुत बेकार है।
किशोरदास से मेरा कभी मुलाकात हुआ ही नहीं है आज तक, ये मेरा दुर्भाग्य है एंड ये बड़ा सजा है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनको फॉलो करके यार टोटली यार देखो ना किशोरदा की यादें, ये सब गाना किशोर की यादें से लेके टीसीज में मैं 40-45 कैसेट गा दिया था, सारे किशोरदा का गाना गा दिया था, लेकिन किशोरदा से मिला नहीं। बट मेरे को बाद में उनका सेक्रेटरी अब्दुल जो है, अब्दुल उनका सेक्रेटरी हुआ करते थे, बाद में किशोरदा के डेथ के बाद उन्होंने मेरे पास आके ये बताया कि साहब भी बार बार पूछते थे कि ये कौन लड़का है यार मेरे जैसा गाते हैं, कौन लड़की इसका मिला है, एक बार मेरे को बुला उसको, तो हुआ नहीं। मैं तो उसके चरणों में एक बार जाके गिरना चाहता था, मैं कैसे भी करके एक बार चरणों में गिरूँ, लेकिन ऊपर वाले का मर्जी नहीं था। मेरी आंखें चमकने लगी है, देखो तेरी सांसों ने सांसों को जब से छुआ, मेरी सांसें महकने लगी है, जागी जागी सी आंखों से दिल ये मेरा तेरे सपने सजोने लगा है, मेरा दिल तेरा होने लगा है, मेरा दिल तेरा होने लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं ना? बस थैंक यू। देखो एक बात क्या है मालूम है, एक बात एक मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोग जो बार बार क्वेश्चन करते हो कि देखो ये सोसाइटी का या हमारा खाली हमारा काम नहीं है कि हम म्यूज़िक को बेटर म्यूज़िक को फिर से लाएं, ये आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है इसमें, आप लोग कितना इसको ठीक से पब्लिक तक पहुंचा रहे हो एंड किस तरह से, ऑल डिपेंड्स ऑन यू पीपल मीडिया, तो मीडिया को मैं थैंक्स बोलूँगा और मीडिया को हाथ जोड़ करके बोलूँगा कि सही न्यूज़ आप जो बता रहे हैं हम लोग उसको आप दिखाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है एंड बाकी ये सोच लेना कि इसके पीछे आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, अभी वो हाथ कौन सा है मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओ। दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन।